रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म एनिमल में छोटी लेकिन अहम भूमिका निभाने वाली तृप्ति डिमरी इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म में जोया के किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिल रही है। अब तृप्ति ने खुलासा किया है कि रणबीर के साथ उनके इंटीमेट सीन को देखकर उनके माता पिता का क्या रिएक्शन था। उन्होंने ये भी कहा कि इस सीन को शूट करते वक्त सेट पर कुछ ही लोग थे। मीडिया से बात करते हुए तृप्ति ने कहा कि ये सीन देखकर मेरे माता पिता थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी फिल्मों में नहीं देखा और आपने ये कर दिखाया। मैंने जो सीन किया उसे स्वीकार करने में उन्हें समय लगा। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा सीन नहीं करना चाहिए था। माता पिता होने के नाते हम निश्चित रूप से इस दृश्य का अंतर महसूस करेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ, यह मेरा काम है और जब तक मैं सहज और सुरक्षित हूँ मुझे ऐसे दृश्य करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक अभिनेत्री हूँ और जो किरदार मैं निभा रही हूँ उसके प्रति मुझे 100% ईमानदार रहना है, इसलिए मैंने यही किया। इससे पहले तृप्ति ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने यह इंटीमेट सीन कैसे शूट किया था। सेट पर केवल 4-5 लोग थे और किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर के अलावा केवल मैं और रणबीर सेट पर थे। हर 5 मिनट में वे मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम ठीक हो, क्या आपको कुछ चाहिए। तृप्ति ने कहा कि दृश्यों की शूटिंग के दौरान मैंने असहज महसूस नहीं किया। उल्लेखनीय है कि फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस वक्त खूब चर्चा में है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 9 दिनों में फिल्म ने देश भर में 398.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। आज रविवार को छुट्टी होने से और अधिक दर्शकों के सिनेमाघरों तक पहुंचेंगे, इससे फिल्म की कमाई और भी बढ़ेगी।